तो आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए ये सारे कोर्सेज जो हम स्टेट बाय स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज डिस्कस कर रहे हैं हेलो एवरीवन वेलकम टू यूनिवॉर्ग आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के बारे में और हम लोग बात करेंगे इसकी कुछ फैसिलिटीज के बारे में सी ई टी के थ्रू आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं तो उनके कोर्सेज के बारे में क्योंकि आपको जरूरी है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर जाने अपने इंपॉर्टेंट कोर्सेज जिनमें आपको एडमिशन लेना है आप जब खुद पढ़ेंगे या फिर खुद से एनालाइज करेंगे तो हो सकता है आपसे कोई पॉइंट मिस हो जाए राइट right? तो आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए ये सारे कोर्सेज जो हम स्टेट बाय स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल

चांसलर है मतलब जिनके नाम ये यूनिवर्सिटी है वो बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के भी वाइस चांसलर रह चुके हैं राइट तो ये चीजें हमें याद देखनी होती है आपकी स्क्रीन पे जो अभी आपको कैंपस दिखाई दे रहा है बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये इसी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है राइट तो हमने थोड़ा सा देखना भी तो होता है कि हमारी यूनिवर्सिटी कैसी दिखती है राइट तो उसके बाद नेक्स्ट आपको कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है राइट और 18 जुलाई 1946 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था एम पी की एटीन यूनिवर्सिटी है राइट तो वो लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है राइट तो ऑब्वियसली बहुत ही फेमस एल्यूमिनाई नेटवर्क भी रहा है इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती है आपको एल्यूमिनाई नेटवर्क के बारे में बात करें तो ओशो आशुतोष राणा एक्टर है बहुत ही फेमस उसके बाद मुकेश तिवारी गोविंद नामदेव एंड मेनी मोर एलिमिनाइज हैिस यूनिवर्सिटी ओके और उसके बाद हम फेसिलिटीज की अगर हम बात करेंगे तो आपको बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल गेस्ट हाउस यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर मेंटल हेल्थ काउंसिलिंग सेंट्रल लाइब्रेरी पोस्ट ऑफिस स्पोर्ट फैसिलिटीज जो भी आप इमेजिन या आप अपनी यूनिवर्सिटी से चाहते हैं वो सारी फैसिलिटीज आपको इस यूनिवर्सिटी में जरूर जरूर मिलेंगी राइट तो ये बहुत ही अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अगर आप अपने कोर्सेज इस वीडियो में फाइंड आउट करते हैं कि आप भी सेम कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं जो आप टारगेट करें सी यू टी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए तो लेटेस्ट नो इन द कॉमेंट सेक्शन राइट तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अपना कोर्स जो कि है बीकॉम क्या है बीकॉम वेरी फेमस कोर्स सेमेस्टर्स का ये कोर्स है जिसमें हम लोग अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में क्या आएगा आपका लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश आप चूज कर सकते हैं एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं राइट right? उसके बाद अकाउंटेंसी बुक कीपिंग और बिजनेस स्टडीज इन तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करेंगे तब भी बात बन जाएगी आपकी और जनरल टेस्ट होना चाहिए तो ये प्रॉपर प्रॉपर कॉम्बिनेशन है आपका किसका लैंग्वेज का डोमेन का और जनरल टेस्ट का ठीक है तीनों आपको इसमें करने होंगे उसके बाद आपका अगर यूनिवर्सिटी की डिमांड करे कि जो ट्वेल्थ में आपके कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए तो अनिजर्वड ईडब्ल्यू और ओबीसी कैटेगरी ये क्या ध्यान रखेंगे आप अनिजर्व मीन जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यू और आपका ओबीसी कैटेगरी जो है वो क्या करेंगे आप फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स आपको चाहिए इतना मिनिमम है आपके लिए क्राइटेरिया फाइव परसेंट रिलैक्सेशन किसके लिए है आपका जो रिजर्व कैटेगरीज है पीडब्ल्यू डी कैटेगरीज है एस सी एस टी कैटेगरीज है राइट right? बी कॉम के लिए हमने सारे कोर्सेज देखे क्या क्या एलिजिबिलिटी थी सब्जेक्ट्स देखे उसके बाद अब हम नेक्स्ट कोर्स डिस्कस करेंगे वो क्या है आपका बी ए है राइट बी ए के अंदर आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस उन सब के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका और वो क्या है आपका हिंदी और इंग्लिश आप एक लैंग्वेज चूज करेंगे अपने सेक्शन वन से राइट right? एक लैंग्वेज चूज कीजिए दो लैंग्वेजेस का ऑप्शन है आपके पास सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंग्लिश है या फिर ऐसा भी नहीं है कि बहुत बच्चे ड्यू के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें ज्यादातर कोर्सेज में ऐसा ऑप्शन होता है कि चूज एनी लैंग्वेज लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है आपको दो ही लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिया गया है तो ये ध्यान देने वाली बात है उसके बाद जनरल टेस्ट अगर आप इन दोनों लैंग्वेजेस में से जनरल टेस्ट का भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं सेक्शन थ्री में तो आपका ये चीज सफाइस होता है यहाँ पे एन टी ए की एलिजिबिलिटी राइट उसके बाद टेन प्लस टू की अगर हम बात करें देन अगेन आपका सेम क्राइटेरिया है फोर्टी फाइव परसेंट आपका अनरिजर्वड कैटेगरी के लिए है ईडब्ल्यू एस कैटेगरी के लिए है ओबीसी कैटेगरी के लिए है रिजर्वेशन जून जिनकी कैटेगरी में है एस सी एस सॉरी एस सी एंड आपका पीडब्ल्यू कैटेगरी उनके लिए 5% रिलैक्सेशन है राइट तो आपको अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारे इंफॉर्मेशन मैंने समझाया हो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा उसके बाद नेक्स्ट कोर्स पे चलते हैं और वो है आपका बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स राइट बी भी ये इंट्रोड्यूस यहाँ पर है ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो इसमें आपको फाइन आर्ट्स जैसे बैचलर्स भी परस्यू करने का मौका मिलता है सिर्फ मेन स्ट्रीम आपके जो कोर्सेज हैं वही आप परस्यू नहीं करते हैं फाइन आर्ट्स में भी यह आपको डिग्री प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी तो अब इसके लिए एलिजिबिलिटी देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं सिंपल एलिजिबिलिटी है एन के लिए हिंदी और इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट राइट और उसके बाद एलिजिबिलिटी टेन प्लस टू के लिए क्या है सेम है फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स और आपका फिफ्टी फाइव परसेंट रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी एस सी एस टी एंड पीडब्लू डी क्या बात है कि आपको लैंग्वेज पर आपको एनी लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं है या फिर आप कोई और लैंग्वेज नहीं चूज कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश के अलावा राइट तो सेक्शन वन और सेक्शन थ्री भी आपको इंक्लूड करना है कई सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें सेक्शन थ्री हम इंक्लूड नहीं होता या नहीं हमें दिया जाता ऑप्शन हाँ, सेक्शन है।, है, है।, तो है या फिर अगर आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिना जनरल टेस्ट के बना रहे हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे से आप लिस्ट से पहले ही बाहर हो सकते हैं तो ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर चुनिए जिसमें आपका जी टीबी हो राइट right? उसके बाद नेक्स्ट कोर्स के बारे में बात करते हैं वो है बीबीए ऑनर्स बीबीए ऑनर्स में भी आपका सिंपल कॉम्बिनेशन uh, है हिंदी और इंग्लिश आप एक लैंग्वेज चूज करेंगे और बिजनेस स्टडीज आपको चूज करना है इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आपके पास अकाउंटेंसी या फिर आप कोई और सब्जेक्ट चूज करें सिर्फ बिजनेस स्टडी का एक ही ऑप्शन दे रखा है तो आपको डोमेन सेकंड से अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना होगा कि उसमें बिजनेस स्टडीज हो और जनरल टेस्ट हो अगर टेन प्लस टू की बात करें तो इंटरमीडिएट लेवल के लिए अगेन सेम क्राइटेरिया फोर्टी एंड फाइव परसेंट रिलैक्सेशन फॉर पीडब्ल्यू डी एस सी एस टी कैटेगरीज उसके बाद बी एस सी की बात करेंगे हम लोग तो बी एस सी आपके डिफरेंट उसमें होती है ग्रुप्स में होती है तो हम लोग पहले ग्रुप की बात करेंगे उसके बाद मैथ्स के लिए डिस्कस करेंगे राइट तो ग्रुप का अगर हम बात करें तो उसमें आपको क्या दे रखा है लैंग्वेज नहीं दे रखी है इसमें आपको क्या करना है केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों चूज करने हैं एंड लिखा है और नहीं लिखा हुआ तो आपको ये ध्यान देना है कि और का ऑप्शन नहीं है आपके पास दोनों ही सब्जेक्ट आपके लिए कंपलसरी है और क्या है आपका जीटी होना चाहिए क्या होना चाहिए जीटी होना चाहिए टेन प्लस टू इसमें कंपलसरी हो गया है अब कि आपको साइंस से ही आपको टेन प्लस टू पास हुआ होना चाहिए, राइट आपके पास पीसीबी होना चाहिए बायोलॉजी ग्रुप लिखा हुआ है अलग से पीसीएनबी होना चाहिए या फिर पीसीबी होना चाहिए राइट पी सी एम वाले परस्यू नहीं कर पाएंगे और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनिजर्व्यू एस एंड ओबीसी कैटेगरी सेम क्राइटेरिया 45% फाइव परसेंट मार्क्स एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी एस सी एंड पीडब्ल्यू रिलैक्सेशन। ध्यान देने वाली बात ये है कि साइंस बैकग्राउंड के के बायोलॉजी ग्रुप ही जो बच्चे के लिए देखेंगे और तो उसमें PCM आप अलग कर सकते हैं तो मैथमेटिक्स होना इंपॉर्टेंट है राइट right? क्या होना चाहिए मैथमेटिक्स होना चाहिए ट्वेल्थ में और वो क्या है आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे फिर से और का ऑप्शन नहीं है एंड लिखा हुआ है फिजिक्स और मैथ्स दोनों ही चूज करने हैं आपको राइट पहले वाले में क्या था केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स प्लस जनरल जनरल टेस्ट टेस्ट साथ में है और आपका डोमेन सेकेंड वाला जो सेक्शन है वो है साथ में राइट उसके बाद टेन प्लस टू का मैथ ग्रुप अलग से हाईलाइट कर रखा है आपके लिए साइंस ग्रुप के जो बच्चे हैं वही एलिजिबल हैं और क्या है इसमें सेम क्राइटेरिया फोर्टी फाइव परसेंट आपका आ, जो अनरिजर्वड कैटेगरी है उसके लिए 5% रिलैक्सेशन है आपका एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए राइट तो इसके बाद हम लोगों को इतने सारे कोर्सेज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैम आप इतने सारे डिटेल्स बता रहे हैं लेकिन हमें इनका तैयारी करने का भी तरीका प्लीज बता दीजिए बहुत कम टाइम बचा है सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो सॉल्यूशन ये है आपके सामने पहले तो आप स्क्रीन पे नंबर देखिए अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो आप ये नंबर्स पे डायल करके ऑफलाइन क्लासेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं राइट ये था एक वे दूसरा वे क्या है कि आप ये जो स्क्रीन पे आपको क्यूआर कोड दिख रहे हैं उसे आप स्कैन करेंगे और इसे स्कैन करने के बाद आप एक्सेस करेंगे नंबर्स ऑफ मॉक टेस्ट असाइनमेंट एंड डाउट क्लियरेंस सेशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट आपकी तैयारी में अभी इस स्टेज पे राइट तो अभी आपको अगर ऑनलाइन सुविधा चाहिए

आपका ई डब्ल्यू एस कैटेगरी के लिए फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स एंड एस सी एस टी कैटेगरी के लिए पी डब्ल्यू डी कैटेगरी के लिए फाइव परसेंट रिलैक्सेशन बी फार्मा भी करवाता है ये यूनिवर्सिटी आप डाइवर्सिटी ऑफ देख रहे हैं डाइवर्सिटी ऑफ कोर्सेज देख रहे हैं आप कित क्या फाइन आर्ट्स चूज कीजिए आप चाहे बी कॉम नॉर्मल बी एस सी कोर्सेज चूज कीजिए या फिर आप फार्मा भी बी फार्मा भी, भी करवाता है तो आपने एक्सपेक्ट बहुत कम यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कम कोर्सेज ऐसे डाइवर्सिफाई करती है तो ये यूनिवर्सिटी उनमें से एक है राइट तो बी फार्मा अगर हम देखेंगे तो आपको क्या है इसमें इंपॉर्टेंट बायो केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अब इसमें और लिखा हुआ है तो ये जो और एंड बट वाले जो सेंटेंसेस uh, जो वर्ड्स होते हैं उन पे हमें ध्यान देना इंपॉर्टेंट होता है तो इसमें हम क्या देखेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों देखेंगे एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी मतलब पीसीएमबी पीसीबी पीसीएम वाले सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और जीटी होना चाहिए आपका साथ में उसके बाद फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स आपके किसके लिए है इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी है आपके पास साइंस डोमेन है तो उसके लिए 45 परसेंट मार्क्स है 5 परसेंट रिलैक्सेशन है आपका आपकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए राइट right? आपको अच्छी तरह समझना है जो भी कोर्सेज के डिटेल्स में आपको बता रही हूँ वो ध्यान देकर सुनना है एंड और और जहां मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो भी आपको ध्यान से देखना है ओके okay? उसके बाद बीएससी बीएड के बारे में बात कर लेते हैं तो आपके लिए क्या है इसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ एंड में क्या जोड़ा गया है आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का जो टेस्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली जब आप बी एड जोड़ देते हैं इसके साथ तो फिर आपको ये अनिवार्य हो जाता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का भी आपका टेस्ट क्या आपको टेस्ट देना पड़े क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाएंगे आगे जाके राइट तो इसके लिए केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड आपको चूज करना है अपने डोमेन सब्जेक्ट्स में और फिर सेक्शन थ्री क्या है आपका जनरल टेस्ट है राइट इसमें कोई भी लैंग्वेज नहीं है आपका टेन प्लस टू में अगेन सेम थिंग फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स फॉर अनिजर्व कैटेगरी फाइव परसेंट फॉर रिजर्व कैटेगरी राइट अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कोर्स पे दैट इज बी एल एल बी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स मेनी ऑफ द स्टूडेंट इन द कंट्री आर परस्यूंग दिस एंड

उसमें आपको जनरल टेस्ट जीटी आपने जो भी कोर्सेज अभी तक हमने डिस्कस करे वो देख रहे हैं आप कि जीटी का कितना इंपॉर्टेंस है और आपको जो भी कोर्स चूज करने हैं उसके हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जीटी रखना ही है राइट तो आप देख लीजिए लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश डोमेन में लीगल स्टडीज और सेक्शन थ्री आपका जीटी वाला उसके बाद टेन प्लस टू में अगेन right? तो सेम साथ डिस्कस करे सबकी आपको अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो प्लीज बताइए मुझे कॉमेंट सेक्शन में आई विल डिस्कस इट आई विल क्लियर योर डाउट डेफिनेटली राइट और कोई यूनिवर्सिटी के आप वीडियो चाहते हो तो वो भी रेकमेंड कीजिए एंड वी विल मेक इट फॉर यू चोर्प अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू तो यूनिवर्स फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू